तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमारे पर्सनालिटी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपियरेंस, मतलब हमारा जो फर्स्ट लुक है वो कैसा है। अब इस अपियरेंस में आप जोड़ सकते हैं अपनी हेयर स्टाइल को, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके शूज कैसे हैं या आप किस तरह से तैयार हुए हैं, ये सारी चीजें आ जाती है अपियरेंस में। इसी को देखकर सामने वाला आपको जज करता है कि उसे आपसे किस तरह का रिलेशन मेंटेन करना है या आप किस काम के योग्य हैं, आपकी वर्थ क्या है। तो जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम कहीं भी कुछ भी पहन सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। हमारा अपीयरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां स्पाइक्स बना के जाते हैं, ऑफ कोर्स आपका एक बहुत अच्छा लुक वहां पर लगता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो आपके हेयर प्रॉपरली कॉम किए हुए होने चाहिए, कोई अननेसेसरी हेयर स्टाइल बनी हुई नहीं होना चाहिए, आपके ड्रेसिंग जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, क्लीन और आयरन्ड होना चाहिए। आप जो भी पहन रहे हैं वो फॉर्मल हो, मतलब लाइट कलर्स हो, ब्राइट नहीं हो। उसके अलावा आपका जो ड्रेसिंग है वो कैसा हो, क्लीन कपड़े हो, आयरन किए हुए हो, प्रॉपर क्रीज बनी हुई हो, ये सारी चीजें आपका अपियरेंस डिसाइड करती है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उन्होंने किस तरह का मेकअप किया है या किस तरह की एसेसरीज पहनी है प्रोफेशनल लाइफ में, ये चीज भी उनके अपियरेंस को काउंट करती है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलिजेंस। ओके मैम, व्यक्ति आपको देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल पता चलेगा कि आप उससे किस तरह बिहेव कर रहे हैं या पब्लिकली भी आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये चीज आपका इंटेलिजेंस लेवल डिसाइड करेगी। तो ये क्या होता है, हमारा सेकेंड फैक्टर जो हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है, दैट इज आवर इंटेलिजेंस। उसके बाद आ जाती है स्मार्टनेस। अब हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अपने अपियरेंस और स्मार्टनेस को लेकर, जबकि दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। अपियरेंस टोटली फिजिकल होता है और स्मार्टनेस होती है आपकी मेंटल स्किल, आपकी मेंटल क्वालिटीज। अगर 10 लोगों के बीच में मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी तो जो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन पर रिएक्ट करता है, ही इज एक्चुअली स्मार्ट। इसका अपियरेंस से कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है एक नॉर्मल से अपियरेंस वाले व्यक्ति भी मेंटली बहुत स्मार्ट हो। एक इसका सबसे सीधा सा एग्जांपल है, जिस फ्रेंड से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार आपको वहां पर ओरल कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक दूसरे को इशारा करते हैं, उसी से आप जज कर लेते हैं कि आपका फ्रेंड आपसे उस मोमेंट पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह का रिएक्शन चाह रहा है, और आप उस तरह से रिएक्ट करते हैं। उसी तरह हमारे प्रोफेशनल लाइफ में स्मार्टनेस क्या होती है कि जो भी हमारा सीनियर है, जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, उसने हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी और हम उसे कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस पर कितनी जल्दी एक्शन ले रहे हैं, दैट इज एक्चुअली स्मार्टनेस। ओके मैम, ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस मतलब विश्वसनीयता, आप कितने विश्वसनीय हैं। अगर आपका जो भी सीनियर है वो आपके साथ कोई कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर कर रहा है तो आपकी रिलायबिलिटी कितनी है, आप अपनी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल चीजों का कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। हाई इंटीग्रिटी मतलब आप जिस कंसर्न के लिए काम कर रहे हैं उसे आप अपने आप को उसका एक पार्ट समझ के काम करें, केवल एम्प्लॉय समझ कर नहीं। जनरली हमारे इंडिया में जो टेंडेंसी है, सबसे ज्यादा मैन पावर, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होने के बाद भी हमारे यहाँ जो वर्किंग है वो सबसे स्लो होने का रीजन यही है। हम कहीं भी जाते हैं हम अटेंड करने जाते हैं, आप लेक्चर अटेंड करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस अटेंड करते हैं,
आप लेक्चर को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, आपको क्या करना है, केवल अटेंड करना है. व्हाट इज अवर बेसिक कंसर्न? अवर अटेंडेंस. हमारा बेसिक कंसर्न कहीं भी क्या होता है, हमारी अटेंडेंस. चाहे वो हमें स्कूल लेवल की बात करें, कॉलेज लेवल की करें, या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हमारी प्राइमरी कंसर्न होती है अटेंडेंस, नॉट वर्क. अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट कंसर्न की या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, वहां काम करता है व्यक्ति, उसके लिए कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते कि उसे 10 to 5 ही काम करना है. अभी जिस तरह का ये चलन लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ है वर्क फ्रॉम होम का, उसने उनके वर्किंग आवर्स की जो लिमिटेशन थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है. पहले तो फिर भी वर्किंग आवर्स होते थे, लेकिन जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया है उनके लिए कोई वर्किंग आवर्स नहीं. इसलिए आज गवर्नमेंट कंपनीज की बजाय जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो घाटे में जाती हैं, और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वही काम करके प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं. काम वही हो रहा है. जब MPRTC की बसें चल रही थी, वही उसकी जगह आज प्राइवेट 10 से 15 कंपनीज के बस चल रही है और सब प्रॉफिट अर्न कर रही है, कोई घाटे में नहीं जा रही. अगर घाटे में जाती तो 1-2 ट्रेवल्स, 4-5 ट्रेवल्स बंद हो जाती. पर जब तक MPSRTC चल रही थी तब तक वो घाटे में जा रही थी. इंडियन एयरलाइंस घाटे में जा रही है, प्राइवेट एयरलाइंस सरवाइव कर रही है. क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट सेक्टर में व्यक्ति को जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो वो केवल वहां अटेंडेंस लगाने के पर्पस से जाता है, काम करने के पर्पस से काम करने के लिए. यस मैम. तो जब भी आप किसी कंसर्न के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को एम्प्लॉय समझ कर नहीं, उसे अपनी कंसर्न समझ के, अपने आप को उस पूरे सिस्टम का एक पार्ट समझ के काम करें. आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखता है. और इसी के साथ आता है आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किसी भी काम को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. मैंने आपको कोई पेपर्स हैंड ओवर करे कि ये मुझे कल सुबह आपसे चाहिएंगे, ये आपके पास आपको संभाल कर रखना है. आपने उसे लापरवाही से कहीं रख दिया, आप भूल गए कि आपने कहाँ रखे. अब जब मुझे उन पेपर्स की जरूरत थी तब वो पेपर्स मिले ही नहीं. सो व्हाट वाज दैट? इरेस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि अगर मैंने आपको कोई भी जिम्मेदारी दी है तो अगले दिन मेरे फॉलो अप करने से पहले आप उस काम को करके रेडी रहेंगे कि ये काम मुझे दिया गया था एंड दिस इज कम्प्लीट. You will not wait for my asking you कि मैंने कल आपको कोई काम दिया था वो complete हुआ है कि नहीं. Yes ma'am. And ये जो 5 aspects हमने देखे थे, last one है being beneficial and advantageous. जब भी आप किसी organization के लिए काम करते हैं तो ये वहाँ पर ये चीज बहुत importance रखती है कि आप उस organization को कितना फायदा पहुँचा सकते हैं, आपको रखने से उनके आउटपुट पर क्या इफेक्ट आएगा, कैसे ग्रोथ होगी उस कंपनी की. अगर आप उनके लिए बेनिफिशियल हैं, आप उनके लिए एडवांटेजेस हैं, तो आपके लिए प्रोग्रेस के, प्रमोशन के रास्ते खुले हुए हैं. और अगर आप उनके लिए एडवांटेजेस नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, आप किसी काम के नहीं है, आपको जितना दिया जा रहा है आप उतना ही कर रहे हैं या उससे भी कम कर रहे हैं, then the thing will happen कि आप न तो प्रमोट हो पाएंगे, हो सकता है किसी रीजन से आपकी जॉब भी चली जाए. अभी जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह का दौर अभी चल रहा है लॉकडाउन के दौरान, मंदी का, रिसेशन का, अब जब फिर से ये सारी चीजें सारी रीओपन होंगी, चीजें लॉकडाउन खुलेगा, तब बहुत सी जगह कॉस्ट कटिंग के नाम पर एम्प्लॉयज की छटनी की जाएगी. और ये छटनी किस बेसिस पर होगी? जो कंपनी के बेनिफिट के लिए हमेशा काम करता है, जिन लोगों की वजह से कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई है, वो लोग सरवाइव करेंगे, और जो लोग अननेसेसरी केवल एक जगह घेर रहे थे उन्हें हटा दिया जाए. हमेशा छटनी इसी बेसिस पे होती है. तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल बनना है, एडवांटेजियस बनना है.
अब इसी के अपोजिट अगर हम देखें कि एक वीक पर्सनालिटी किसे कहते हैं, किसे हम बुरी पर्सनालिटी कहते हैं, जिसका अपियरेंस अनहाइजीनिक हो, ऑब्वियसली जो साफ सुथरा नहीं दिखेगा, जिसका रहन सहन गंदा होगा, उस व्यक्ति से रिलेशनशिप किसी भी तरह का रखना आप पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। Yes, ma'am. नेगेटिव फैक्टर हिज हर्टिंग एटीट्यूड। अगर किसी व्यक्ति की भाषा ऐसी होगी कि वो आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, अपनी बातों से आपको चोट पहुंचा रहा है, आपसे इंसल्टिंग टोन में बात कर रहा है, अगेन दैट पर्सन विल नॉट अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स हिमसेल्फ। उस पर्सन की तरफ हम कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, उससे हम किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना पसंद नहीं करेंगे। थर्ड वन, यूजलेस अप्रोच, ऐसे काम करना जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, यूजलेस। फोर्थ, नॉन बेनिफिशियल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन करना किसकी जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आपके भी सर्कल में, आपके कांटेक्ट में ऐसे बहुत से लोग आए होंगे आपकी लाइफ में, जो अननेसेसरी बोलते हैं, सेंसलेस बातें बोलते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई रेलिवेंस नहीं होता। आपका टॉपिक कुछ और चल रहा है, वो कुछ और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, अननेसेसरी कहीं के पुराने किस्से कुछ जोक सुना रहे हैं। आप किसी सीरियस मैटर पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो नॉन बेनिफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, वो कभी भी एक अच्छी पर्सनालिटी के हकदार नहीं माने जा सकते। और लास्ट वन, अनट्रस्टवर्दीनेस, इरेस्पॉन्सिबल एंड लैक ऑफ इंटेग्रिटी। आप में अगर विश्वसनीयता नहीं है, आप लापरवाह हैं, या आप में इंटेग्रिटी नहीं है, मतलब आपके दिमाग का और आपके एक्शंस का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। इंटीग्रल होना मतलब सारी चीजें एक साथ काम करना। आपको इंस्ट्रक्शन कुछ और दी गई है, आप कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी तब आप मेंटली वहां प्रेजेंट थे ही नहीं, अलर्ट नहीं थे। सो दिस इज व्हाट, लैक ऑफ इंटेग्रिटी। तो अगर इस तरह की चीजें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, डेफिनेटली यू कैन नॉट बी कॉल्ड ओनर ऑफ अन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि अगर किसी में ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं तो उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी की पर्सनालिटी जैसी है उसमें कोई परिवर्तन हम ला ही नहीं सकते। उसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा, अपने आप को जानना होगा कि आप क्या हैं, और उसे एक्सेप्ट करना होगा। बहुत से लोगों में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो शॉर्ट हाइटेड हैं, या उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डल है, या उनके बाल सिल्की नहीं है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आसपास देख देख के अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस फील करने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। इसके लिए कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल हमारा मीडिया भी है, जिसमें हमें इस तरह का हमारा माइंडसेट बना दिया है कि जो इंसान फेयर है वही ब्यूटीफुल की कैटेगरी में आता है, या वही स्मार्ट होता है, या सो एंड सो प्रोडक्ट यूज करने से ही आप अच्छे दिखते हैं। बट इट इज नॉट द फैक्ट। आप जैसे हैं, जैसा भी आपको ऊपर वाले ने बनाया है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। सेकेंडली, आपको ये चेक करना है कि आपकी ये जो पर्सनालिटी जो है अभी फिलहाल, बिना किसी चीज़, हाँ मैम, अपने एनालिसिस के बाद में क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। हाँ कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें आपको अपने आप का एनालिसिस करना है, और जैसे भी हमें उसे एक्सेप्ट करना है।
जिस तरह का हमारे आसपास माहौल क्रिएट कर दिया गया है मटेरियलिस्टिक लाइफ का, कि हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या हम इस ब्रांड का क्रीम लगाएंगे हम गोरे होंगे तो ही हम अच्छे दिखेंगे, और ऐसे ही जो हमारा माइंडसेट बना दिया गया है ऐसी चीजों के कारण हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आते हुए हमें अपने आप को जैसे हम हैं सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए हमें आर्टिफिशियल चीजें यूज करने की बजाय या कोई मेंटल कॉम्प्लेक्स पालने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना है। अब उसे हम ग्रूम कैसे कर सकते, जो भी हमारे पास है उसकी ग्रूमिंग कैसे करना, तो सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, देन यू चेक हाउ योर पर्सनालिटी इज अफेक्टिंग यू इन एवरी एरिया। जैसे आप हैं उसमें आपके पॉजिटिव साइड क्या है, आपके नेगेटिव साइड क्या है। हो सकता है अगर आपकी हाइट कम है लेकिन आप गाते बहुत अच्छे हैं, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है लेकिन उसकी हाइट और फिजिक बहुत अच्छी है, किसी के लुक्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसकी आवाज में उतनी क्लैरिटी नहीं है, प्रॉपर बोल नहीं पाता। तो हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि जो ओरिजिनल हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, उसमें पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है और नेगेटिव ट्रेट्स क्या है। ये एनालिसिस करने के बाद आपको जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स मिलते हैं उन पर आपको वर्क करना है, उनको सिलेक्ट करना है आपको कि आपकी नेगेटिविटीज क्या है जिनको आपको ग्रूमिंग करने की जरूरत है, और उसी के ऊपर फोकस करते हुए आपको वर्क करना है। और इसके बाद कुछ समय के बाद, जैसे आप 15 दिन तक या महीने भर तक अपनी उन वीक पॉइंट्स पर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आपको खुद अपने आप में चेंजेस ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर सब कुछ अच्छा है लेकिन आपके चलने का तरीका गलत है, तो आप जिस तरीके को पसंद करते हैं, जैसा चलना सही है वैसे चलने की प्रैक्टिस कीजिए, और अपने चेंज को खुद नोटिस कीजिए, खुद उसका एनालिसिस कीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज, हमें एक एक चीज को इम्प्रूव करना है, सारी चीजों पर हम एक साथ काम नहीं कर सकते, तो हमें कोशिश क्या करना है कि हम एक एक फैक्टर को लेकर उसकी ग्रूमिंग करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो हमारा अपियरेंस है उसमें ड्रेसिंग वगैरह तक ठीक है, पर जो भी लुक्स हमारे हैं, जो नेचुरल लुक्स हैं, उसको हम बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं कर सकते। तो सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं LSRW, आपको अच्छी चीजें सुनना है, आपको अच्छी चीजें पढ़ना है, आपको अच्छी चीजें लिखना है, और आपको अच्छी चीजें बोलना है। जो अच्छे शब्द आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किसी और बुक में पढ़ रहे हैं, किसी स्टोरी बुक में पढ़ रहे हैं, आपको कोशिश ये करना है कि वो शब्द आपके वोकैबुलरी का, आपकी बातचीत का एक हिस्सा बन जाए। इंटरेक्ट विद पीपल टू सी हेटेरोजेनिटी अमोंग पीपल, आपको बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट बनाकर रखना चाहिए जिससे आप वेरिएशंस देख सके। कोई भी इंसान 100% नहीं होता, किसी में कोई चीज अच्छी होती है, किसी में कोई चीज अच्छी होती है, तो आपको सबसे उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी की इंस्पिरेशन लेना। ऑफ कोर्स आपको किसी की कॉपी नहीं करना है, आप सोचे कि एग्जैक्टली किसी की कॉपी करके आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, यू नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन, आपको इंस्पिरेशन लेना है उस पर्सन से कि अगर उसकी वॉकिंग स्टाइल ऐसी है, वो स्ट्रेट चल रहा है, तो आप अपनी वॉकिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू कॉपी अ पर्टिकुलर पर्सन, हमें कॉपी नहीं करना है किसी को। तो हमें हर अपने आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उनमें जो भी अच्छी क्वालिटी है उसे लेना है, अपने आप में उसे अडॉप्ट करना है।
Have a look on your body gestures or body language. इसके साथ ही आपको किस चीज पर फोकस करना है, आपके बॉडी जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज. बॉडी जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, जब हम अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बॉडी का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, आईज का यूज करते हैं, हाथों का यूज करते हैं, ये सब होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स. तो हमें ये फोकस करना है कि कहीं इसमें कोई ऐसी नेगेटिव क्वालिटी तो नहीं है. जैसे किसी किसी की बचपन से आदत पड़ जाती है हर बात पर आंख बंद करने की, जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में आंख मारना कहते हैं. किसी की आदत होती है बात बात में जुबान निकाल लेना. ये सब क्या है, हमारे वो बॉडी जेस्चर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी पर एक नेगेटिव इम्पेक्ट डालते हैं. तो ऐसी एनालिसिस करके हमें क्या करना है, अपने बॉडी जेस्चर्स को चेंज करना है अकॉर्डिंगली. इफ यू विश यू कैन गो फॉर ग्रूमिंग योरसेल्फ, ड्रेसिंग और मेकओवर. अगर आप चाहें तो अपनी ग्रूमिंग के लिए बाहर किसी गाइड की भी हेल्प ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग और मेकओवर के लिए. किसी ड्रेस डिजाइनर से आप ले सकते हैं कि आपकी हाइट हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, या किसी आपका कोई सीनियर है जो फॉर्मल ड्रेसिंग जिसकी बहुत अच्छी, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, या कुछ हद तक आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेकर अपने अपीयरेंस को ग्रूम कर सकते हैं. बट डोंट गो फॉर आर्टिफिशियल लुक्स. कभी भी आर्टिफिशियल लुक्स की तरफ ना जाएं. Next, yes, ma'am. Check the efficacy of your change. जब आप ये changes कर रहे हैं तो ये भी notice करें कि ये changes कितने effective हैं. आपने अपने according change कर लिया, जैसे इस age में, जिस age में आप लोग हैं, college students की age में, आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे hair style बनाने से बहुत handsome लगेंगे, या हम बहुत colorful या bright कपड़े पहनेंगे तो सब लोग हमारी तरफ attract होंगे. अगर आप इस तरह का कोई भी change कर रहे हैं, कोई भी variation कर रहे हैं, तो उसका effect notice कीजिए कि क्या जैसा आप चाह रहे थे वैसा effect हुआ. अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी बातों को, हर चीज को मजाक उड़ा रहे हैं, हर आपकी क्वालिटी है, कुछ भी है आप बोल रहे हैं तो मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आप वहां अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके देखिए कि आपने सबसे बात करना लिमिटेड कर दिया, किसी से कोई हंसी मजाक नहीं करी. और 8 दिन बाद 10 दिन बाद उसका इफेक्ट देखिए कि उससे आपके जो सर्कल है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आया या नेगेटिव इफेक्ट आया. क्या ऐसा करने से उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि उनकी कोई बात आपको हर्ट कर रही है. इसी तरह जब हम अपने अपीयरेंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंज लाते हैं तो हमें ये भी नोटिस करना है कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, वो चेंज हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं. अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा यदि हम चाहें तो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें अपने आप में किस तरह के चेंजेस करना चाहिए. हमारी सोसाइटी में वैसे साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करने को या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करने को बहुत नेगेटिव माना जाता है. मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा, ये दोनों चीजों को हमारे सोसाइटी में जो माइंडसेट बना हुआ है वो ये है कि अगर हम किसी मनोविज्ञान वाले से सलाह ले रहे हैं या मनोचिकित्सक से सलाह ले रहे हैं, मतलब हमें मेंटली कुछ डिसऑर्डर है, कि वो पागल हो गया है, हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो, इसलिए उसे मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा या मनोविज्ञानी के पास जाना पड़ा. पर नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ साइंस एंड दैट पर्सन कैन डू योर काउंसलिंग. हमें ऐसे लोगों से सलाह क्यों लेना है जिससे वो हमारी सही काउंसलिंग कर सके. जैसा मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि जब हमारी किसी एक क्वालिटी को या हमारी किसी एक एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का भी कॉम्प्लेक्शन है या किसी की हाइट अगर कम है, उसे बार बार उस हाइट को लेकर ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लोग दिलाते हैं, तो उसके अंदर भी ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ये उसकी सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी है और इस क्वालिटी की वजह से वो इंसान लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो पर्सन अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा है लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जो हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सके, हमें मोटिवेट कर सके। यस मैम। इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट एस्पेक्ट है वो है बेनिफिट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग, जो हमारी पर्सनालिटी है इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के या ग्रूम करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फायदा, क्यों करना है हमें ऐसा। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये होता है, इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। हमारी पर्सनालिटी अगर अच्छी होती है तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। जिन लोगों के लुक्स, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं या उनकी पर्सनालिटी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड पाया जाता है, जो एटीट्यूड बाद में एरोगेंस या घमंडी बन जाता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईगो और एरोगेंस, पर हाँ अगर हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी होती है तो हमारे एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। अ गुड सेल्फ इमेज, अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी होती है तो दूसरे हमें पसंद करें, उससे पहले हम अपने आप को पसंद करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंसान को सबसे ज्यादा चाहना अपने आप को चाहिए। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, दुनिया हमें पसंद करे या ना करे ये बात कोई मायने नहीं रखती। और अगर हम अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने अपीयरेंस पर काम करते हैं, इसकी ग्रूमिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम अपने आप को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब हम अपने आप को पसंद करते हैं तो हमारी नजरों में हमारी खुद की वैल्यू, हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और इसी चीज को हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखें, लोगों से रिस्पेक्ट गेन करना सीखें। जब हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी तो हम खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। जब हम अपने इन नेगेटिव फैक्टर्स पर या अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करना शुरू करेंगे तो इसी को सुधारने के साथ साथ हमारी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, वो चीज़ जब हमारे नेचर का हिस्सा बन जाएगी तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने काम को लेकर फ्लेक्सिबल होंगे। नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की हमारी एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, नए एनवायरमेंट में एडजस्ट होने की एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका हमें मिलने वाला है वो है इंक्रीज्ड हैप्पीनेस एंड एक्टिव लाइफ। अच्छी पर्सनालिटी होने से क्या होगा, हम खुश रहेंगे, हमारी लाइफ एक्टिव होगी, हमारे अंदर अलग ही एनर्जी हमें फील होगी। इसलिए आज के समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक नेसेसिटी बन गया है, और हमें लाइफ में जितनी जल्दी हो सके इसकी ग्रूमिंग पर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फ्यूचर एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं हमें तो खेती करना है और एक किसान के लिए उसकी पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखती, तो हम इस पर क्यों काम करें। नहीं, हर व्यक्ति के लिए उसकी पर्सनालिटी मायने रखती है।
हम लाइफ में जो भी अचीव करते हैं वो हमें केवल अपनी क्वालिफिकेशन या हार्ड वर्क के बेसिस पर नहीं मिल सकता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप अपने साथ के कलीग से, अपने सीनियर से बिहेव कैसे करते हैं। और इन्हीं सारे फैक्टर्स के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन को हम पर्सनालिटी कहते हैं। इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है which a person possesses, which includes how you think, how you feel, your belief system and your behavior patterns. इन सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो मिलाकर पर्सनालिटी कहलाता है। So this is all which we studied about benefits of personality and how we can work over our positive factors and negative factors. ओके समीर। यस मैम। कोई प्रॉब्लम बेटा? मैम आप